अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुशन बनाने थे तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट कर लूँगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा कपड़ा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं स्टैंप खोल के नहीं दिखा सकती। तो इस कपड़े को मैं जो है इसके कुशन भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, और गोल तकिए भी बनाऊंगी। तो उसके लिए फिर मेजरमेंट और सारा कुछ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, मेरे साथ रहिएगा। ये है मेरा गोल तकिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी मेजरमेंट ले लूंगी, ठीक है। तो मेजरमेंट लेने से पहले फिर मैं आपको बता दूँगी कि इसको मेजरमेंट किस तरह लेनी है और कितनी कितनी रखनी है। गोल तकिया बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं इसकी लेंथ ले लूँगी, ठीक है। ये कितना लंबा है, ठीक है। उसके लिए लेंथ लेने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो ये है हमारा सुराख है, यहाँ से मैं लूँगी और ये सब करके हाथ पर तक जाऊँगी, ठीक है। और ये दूसरे इसको ले जाऊँगी ऐसे करके, ठीक है। तकरीबन 33 बन रही है हमारी लेंथ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से फिर सिलाइयाँ भी लगानी है, 1.5 इंच में यहाँ से छोड़ूंगी। 33 है तो उसमें अगर हम ऐड करते हैं तो 34.5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी लेंथ जो है वो आ जाएगी, लेंथ हमारी आ जाएगी 34.5। और अब गुलाई को चेक कर लेते हैं। गुलाई को आपने इस तरह चेक करना है कि इस तरह अगर आप यहाँ से इसको ले कर जाते हैं तो यहाँ पर इसको तो ये हमारी जो गुलाई में भी आ रहा है वो देख सकते हैं आप कि ये 33 आ रहा है। मैंने टाइट नहीं बांधा हुआ, मैंने यूज़ करके इसको दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 32 आ रहा है, यहाँ पे ये करना चेक कर रहा है। यूज़ करके जो है 33.5 आ रहा है, ठीक है। 33.5 आ रहा है तो फिर अगर हमें यहाँ से भी जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए फिर मैं जो है वो तकरीबन 35.5 कर लेती हूँ, ताकि जो सिलाई अंदर आएगी वो भी उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो 35.5 ये और 34.5 इसकी लेंथ आ जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। फोल्डिंग करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसकी जो है लंबाई यानी लेंथ में मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ से 1 इंच जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 इंच का गैप लिया, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि मैं यहाँ से जो है वो नेफा बनाऊंगी जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो रिबन वगैरह डालना है, ठीक है, उसको बांधने के लिए। देन इसके ऊपर वाली साइड से भी सेम ऐसे ही 1 इंच जो है मैं यहाँ से भी छोड़ दूँगी, यानी यहाँ पे आएगा हमारा। ये मैं सिलाई लगा के इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैं सिलाई लगा के आपसे फिर बात करती हूँ। यहाँ से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं आप, ये मैंने सिलाई लगा दी है। और वो जो 1 इंच मैंने छोड़ा था वो ये है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही किया और इसकी 1 इंच छोड़ दी है। तो उसके बाद यहाँ से मैं अब इसकी फोल्डिंग ऐसे करूँगी, ठीक है। इसे ऐसे फोल्डिंग करके यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों साइडों पे सेम ऐसे ही फोल्ड करके लगाऊँगी एंड देन फिर इसको आगे से फोल्ड करके ये चीज़ बनाऊँगी मैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दिया है, ठीक है, मैं आपको स्टिच करके ये दिखाती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, ठीक है, ऐसे बना के, वैसे वो हम शलवार के अंदर डालने के लिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से फोल्डिंग करके अब ये जो है ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से मैं रिबन डालूँगी इसके अंदर। तो ये मैंने एक साइड तैयार की है और अब मैं दूसरी साइड तैयार करूँगी, ठीक है। ये वाली साइड तैयार की है, अब मैं दूसरी साइड तैयार करूँगी, ठीक है, फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊँगी। यहाँ पे मैंने ये दोनों साइडों को जो है वो ऐसे स्टिच कर लिए, ठीक है, अंदर से सिलाई लगा लें, ये भी देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब ये चीज़ इसके साथ मैं एक साइड पे इलास्टिक डालूंगी और एक साइड पे रिबन डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे इसको अंदर लेके जाऊंगी, ठीक है,
तो ये आपने सेट पर डाल लेनी है अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इलास्टिक यहाँ पे इसके अंदर डाल ली है। अब एक साइड पे मैं इलास्टिक डालूँगी और दूसरी साइड पे मैं रिबन डालूँगी, ठीक है। इससे ये होगा कि एक साइड खुली होगी जिससे मैं अंदर डाल सकूँगी तकिए के, और दूसरी जो साइड है वो बंद होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि दूसरी साइड मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिया है, मतलब मैंने दूसरी साइड पर जो है वो रिबन डाला है। आप कोई भी डोरी ले सकते हैं, मोटी वाली ले सकते हैं, पतली ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरीके से ईजी समझें आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस जगह को छोटा भी, खुला भी बना सकते हैं, नॉर्मल साइज़ का भी बना सकते हैं। तो ये भी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप के किस हिसाब से कपड़ा छोड़ रहे हैं, क्या आपकी मेजरमेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इतना ही खुला रखना है कि वो उसके अंदर जो है तकिया वो ईज़िली अंदर जा सके। तो मैंने डोरी को काफ़ी ज़्यादा इसलिए लिया था ताकि जब मैं उसको खोलूँ तो ईज़िली इसके अंदर आ सके। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि मैंने तकिया को उसके ऊपर कवर को चढ़ा के, ये देखें बिल्कुल यहाँ से गोल तकिया जो है बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल फिक्स आ चुका है। मेरी मेजरमेंट जो थी वो बिल्कुल ठीक थी और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट आ गया इसके अंदर। और आपको ये बताती चलूँ कि ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये गोल तकिया बनाया है। नेक्स्ट आपको मैंने आपको कहा था कि मैं कुशन भी बना रही हूँ, तो उसकी मेजरमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने मेजरमेंट जो है वो पहले से कटिंग करके कपड़ा अलग कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी मेजरमेंट जैसे जैसे आपका कुशन होगा आप उसके हिसाब से जो है वो अपनी मेजरमेंट देख लीजिएगा। लेंथ जो है वो उसकी ज़्यादा होगी और विड्थ आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। आप जिस तरह देख सकते हैं कि मैं, और यहाँ पे आपने यहाँ से उल्टी करके जो सीधी साइड वाली है वो दोनों साइडों पे जो है फोल्डिंग करनी है ऐसे, और इसको सिलाई लगा देनी है यहाँ से, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने इस तरह करके फोल्डिंग करके सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई लगा ली है और इसको अब ये दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे लग चुकी है। अब इसको मैंने सीधा करके रखूँगी और अपने कुशन को ऐसे रखूँगी, इसकी एक साइड से फोल्डिंग करूँगी और दूसरी साइड से भी फोल्डिंग करूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मुझे इस तरह साइज़ पता चल जाएगा। और यहाँ से फिर मैं साइड, ये देख सकते हैं आप, यहाँ साइड से मैं स्टिच कर लूँगी और मेरा जो कुशन है यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होता है। बस हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा ये काम इतना मुश्किल है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ बहुत ही ईजी हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो है आप अगर प्रोफेशनल नहीं हैं, बेसिक बिगनर्स हैं, तो काइंडली आप इस कपड़े को, ये हिल सकता है तो आप इसके ऊपर पिंस लगा लें ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो स्टिचिंग में इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि रेडी हो चुके हैं, मैंने दोनों तरफ से इसको स्टिच कर लिया है और वो एक्यूरेट जो है वो इसकी मेजरमेंट भी आई है और एक्यूरेट सिलाई भी लगी है, ठीक है। तो इसको मैं अब सीधा कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका जो कुशन का जो कवर है वो बिल्कुल एक्यूरेट इसके ऊपर आया है। काइंडली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों चीज़ों की जो वीडियो है मेरी वो कैसी लगी है। मतलब अगर आप खुद ट्राई करते हैं तो आपके लिए कितना ईजी था और क्या आपको इसमें मुश्किल आई कि नहीं आई। अगर कोई मुश्किल हुई आपको तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। या आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो है वो कुशन डाल रही हूँ, ठीक है। तो फाइनली आप एक साइड से पहले डालेंगे, आराम से डालिएगा, कोई मसला नहीं होगा, एक्यूरेट आएगा इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं कि मेरा भी बिल्कुल एक्यूरेट आया था, कोई मसला नहीं हुआ मुझे, ना कपड़ा कम हुआ और ना बहुत टाइट हुआ ना बहुत खुला हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। और ये मेरा इसके साथ तकिए भी बन गए और कुशन भी बन गए और ये मेरी चीज़ रेडी हो चुकी है। मुझे ख़ुद भी बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।